नमस्ते, मेरा नाम डिंपल मॉडगिल है। आज हम लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिए गए भाषण आई हैव अ ड्रीम पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ बताऊंगी और उसके बाद हम लोग विस्तार में भाषण को समझेंगे। अमेरिका ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता 1776 में पाई थी। उस स्वतंत्रता की घोषणा में लिखा था, सभी पुरुष समान रूप से निर्मित हैं। परंतु अमेरिका में कुछ अफ्रीका से लाए गए लोग थे जिनको दास के रूप में रखा गया था। उन लोगों को समान नहीं माना जाता था। उन लोगों को नाम दिया गया था निग्रो। अमेरिका के उत्तरी प्रदेश चाहते थे कि वो काले लोग भी आजाद हों। दक्षिणी प्रदेश के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग दास के रूप में निग्रो लोगों को खेतों और घरों में काम करवाते थे। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन चाहते थे कि निग्रोस को आजाद कर दिया जाए। इस बात को लेकर अमेरिका में एक गृह युद्ध भी हुआ, जिसकी जीत के बाद लिंकन ने एक मुक्ति का प्रस्तावना पर हस्ताक्षर किए कि काले लोग आजाद हैं। परंतु इस समय तक भी उन्हें पूरे सब अधिकार नहीं मिलते। उन लोगों के साथ काफी अन्याय और भेदभाव किया जाता था। उनके स्कूल और शौचालय वगैरह वगैरह सब अलग थे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये पानी पीने का नल भी ये व्हाइट्स के लिए है, गोरे लोगों के लिए, और ये काले लोगों के लिए। और ज्यादातर जो उनके लिए उपवस्था की गई थी वो गोरे लोगों की बहुत बेहतर थी। उनको सारी नौकरियों में भी काम नहीं मिलता था। कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह और होटल थे जहां लिखा रहता था नो डॉग्स, नो नीग्रो एंड नो मैक्सिकन्स। उनके प्रतीक्षालय भी अलग होते थे, व्हाइट्स के लिए ही होते थे। तो उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव होता था। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो बीच है और समुन्द्र के किनारे, वहां भी लिखा हुआ है व्हाइट्स ओनली। बसों में भी व्हाइट्स की जगह अलग होती थी सामने और काले लोगों की जगह पीछे होती थी। फिर भी, और अगर कोई सफेद आदमी, गोरा आदमी अगर बस पे चढ़ता और उसके लिए कोई जगह ना होती बैठने की, तो काले आदमी को उठना पड़ता था और अपनी जगह गोरे लोगों को देनी पड़ती थी। और तो और पुलिस भी उनके साथ काफी भेदभाव करती थी। तो 1950 के अंत तक एक आंदोलन सा शुरू हो गया था। बहुत सारे संगठनें और ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी जो चाहती थी कि निग्रो को नागरिकीय अधिकार मिलने चाहिए। तो जबकि निग्रो लोगों को आजाद कर दिया था, पर उनके नागरिकीय अधिकार की रक्षा के लिए कानूनों की मांग कर रहे थे। तो इसलिए एक मोर्चा हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस मोर्चे में बहुत सारे काले लोग, 200 से 2.5 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख काले लोग शामिल हुए। और ये लोग सब वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, उसमें गए। बहुत सारी बसें बड़े बड़े शहरों में थी जो सब लोगों को लेकर गई। कुछ लोग रेलगाड़ी से आए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये नक्शा। ये लोग सब मिलके वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जो एक स्तंभ है वॉशिंगटन डीसी में, वहां इकट्ठे हुए। फिर वहां से ये लोग चल के लिंकन मेमोरियल तक गए। यहाँ आप देख रहे हैं दो आदमी लोग जिन्होंने ये एक साइन लिया हुआ है कि मार्च वॉशिंगटन मार्च फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम, वेंसडे अगस्त 28। तो ये लोग ये मोर्चा कर रहे थे नौकरी और स्वतंत्रता के लिए वॉशिंगटन डीसी में। सुबह से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लिंकन मेमोरियल, ये है लिंकन मेमोरियल, इसके सामने एक छोटा सा तालाब है उसके आसपास। और ये है लिंकन मेमोरियल के अंदर राष्ट्रपति लिंकन की मूर्ति। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस मोर्चे में भाषण दिया। वो सबसे अंतिम भाषण देने वाले थे। तो वो कौन थे? वो एक ईसाई शिक्षा गुरु थे और वो एक नागरिक कार्यकर्ता भी थे।
वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि नागरिकी अधिकारों के लिए भी अहिंसा का उपयोग करना चाहिए। वो बहुत ही प्रभावशाली वक्ता थे। वो काफी साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल करते थे अपने भाषणों में और खूब छवियां और रूपक अलंकारपूर्ण भाषण देते थे। ऐसे भाषणों से जनता बहुत प्रेरित होती थी और उत्साहित होती थी, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बन गए थे। अब हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भाषण पे विस्तार में देखेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगी और फिर मैं उसको हिंदी में बताऊंगी। आई एम हैप्पी टू जॉइन विद यू टुडे इन व्हाट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट डेमोंस्ट्रेशन फॉर फ्रीडम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। मुझे आज आपके साथ इस प्रदर्शन में शामिल होके, डेमोंस्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन, बहुत खुशी हो रही है। ये मोर्चा जो हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में होगा। 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today. Score का मतलब है 20 साल, तो 5 score मतलब हुआ 20 से गुनी 5, 100 साल। 100 साल पहले a great American, इसमें ये राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं इन हूज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड टुडे, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में हम आज खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने मुक्ति प्रस्तावना पर हस्ताक्षर किए थे। दिस मोमेंटस डिक्री केम विद द ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सियर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग जस्टिस। ये क्षणिक और महत्वपूर्ण फरमान लाखों नीग्रो दासों की आशा की एक बड़ी किरण थी, जो अन्याय को दूर करने के लिपटी में घिरे हुए थे। तो ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप मतलब कि बहुत बड़ी आशा की किरण, सियर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। विदरिंग इनजस्टिस मतलब इन अन्याय जो कम ही नहीं हो रहा था, और सियर का मतलब झुलसना, तो वो अन्याय की लपटों में झुलस रहे थे जो निग्रो लोग, उनके लिए ये वाली मुक्ति प्रस्तावना बहुत बड़े किरण के रूप में आई। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। ये उनकी कैद की लंबी रात को समाप्त करने के लिए एक खुशी का सवेरा था। In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. एक मायने में हम अपनी राष्ट्रीय राजधानी में एक चेक कैश करने आए हैं। When the architects of our republic, architect का मतलब है वास्तुकार, republic का मतलब है गणतंत्र। जब हमारे गणतंत्र के वास्तुकारों ने wrote the magnificent words of the constitution, magnificent मतलब शानदार, कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान। सो जब हमारे गणतंत्र के वास्तुकारों ने संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा के शानदार शब्द लिखे, they were signing a promissory note. A promissory note का मतलब हुआ कि वचन पत्र, कि वो वचन ले रहे हैं। They were signing a promissory note to which every American was to fall heir. Heir का मतलब उत्तराधिकारी। तो वो एक वचन पत्र पर लिख रहे थे कि प्रत्येक अमेरिकी को उत्तराधिकारी बनना था। This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, ये नोट एक वादा था कि सभी पुरुष, गोरे और काले, would be guaranteed the unalienable rights. Unalienable rights मतलब कि जो अधिकार छीने नहीं जा सकते, अविच्छेद्य अधिकार। Unalienable rights of life, liberty, and pursuit of happiness. ये उनकी स्वतंत्रता के declaration में लिखा हुआ है। Life, जीवन, liberty, स्वतंत्रता, pursuit of happiness मतलब खुशी की तलाश करना। तो ये नोट एक वादा था कि सभी पुरुष, गोरे और काले साथ साथ को
लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस की खोज के अविच्छेद्य अधिकारों की गारंटी दी जाएगी. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. आज ये स्पष्ट है कि अमेरिका ने इस वचन को पूरा नहीं किया जहां तक कि काले लोगों का सवाल है. Instead of honoring the sacred obligation, sacred का मतलब पवित्र, obligation मतलब दायित्व. Instead of honoring the sacred obligation, America has given Negro people a bad check. इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने के बजाय अमेरिका ने नीग्रो लोगों को एक बुरा चेक दिया है. A check which has come back marked insufficient funds. Insufficient मतलब अपर्याप्त, की काफी नहीं है. तो इस चेक पे क्या लिखा है कि काफी धन नहीं है. इसका मतलब कि अमेरिका ने नीग्रो लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया. बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट. तो आप देख रहे हैं कि वो कैसे छवि बनाते हैं. न्याय का बैंक उन्होंने कहा है. बैंक ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का बैंक, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया या कंगाल. पर हम ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया है. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great walls of opportunity of this nation. Opportunity का मतलब है अवसर. Vault है जैसे एक बड़ा सा कक्ष. तो अवसर के कक्ष में हम ये मानने से इनकार करते हैं कि धन नहीं है या धन कम है. And so we've come to cash this check. A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. और इसलिए हम इस चेक को नकद करने आए. एक ऐसा चेक जिसकी मांग से हमें स्वतंत्रता की समृद्धि और न्याय की सुरक्षा मिलेगी. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. अब हम अमेरिका में के इस पवित्र स्थान में आ गए हैं कि अमेरिका को अब के भयंकर अविलंबिता की याद दिलाए. So, इसमें आप देखेंगे कि वो काफी लाइंस को दोहराते हैं. इससे और प्रभाव पड़ता है. इसमें ये जिक्र कर रहे हैं अर्जेंसी ऑफ नाउ. अर्जेंसी का मतलब है अविलंबिता और नाउ का मतलब कि अब इस समय. There is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Tranquilizing ka matlab hai tasalli dena, gradualism matlab dheere dheere. To ye keh rahe hain ye koi samay nahi hai ki hum thand ki vilasita mein lipt ho jaye, matlab hum thande pad jaye ya dheere dheere shant ho jaye. Now is the time to make real the promises of democracy. Democracy hai loktantra. Ab loktantra ke vaadon ko vastavik banane ka samay aa gaya hai. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Dark and desolate valley of segregation. Segregation matlab alagav. Jaise humne dekha tha ki निग्रो लोग आजाद तो थे पर बिल्कुल अलग अलग रह रहे थे. उनके घर अलग थे, उनके स्कूल अलग थे. तो अब अलगाव के अंधेरे और उजाड़ घाटी से उठने का समय है. सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस. रेशियल मतलब नस्लवादी. नस्लवादी अन्याय के धूप के रास्ते तक जाने का समय आ गया है. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को जातीय अन्याय से उठाकर भाईचारे की ठोस चट्टान तक पहुंचाएं. Now is the time to make a justice a reality for all of God's children. अब भगवान के सभी बच्चों के लिए न्याय को एक वास्तविकता बनाने का समय है.
यहाँ जो क्विक सैंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस है, क्विक सैंड का मतलब है दलदल, रेशियल है जाति वाला, और इनजस्टिस का मतलब अन्याय। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. The sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Negro ke vaidya asantosh ki ye prachand garmi tab tak nahi guzregi jab tak swatantra aur samanta ka ek utsahjanak sharad rutu na ho. पल की तात्कालिकता को अनदेखी करना राष्ट्र के लिए घातक होगा। यह है पहला सेंटेंस। इट वुड बी फेटल, फेटल मतलब घातक, अर्जेंसी का मतलब है तात्कालिकता। द स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिस्कंटेंट, स्वेल्टरिंग समर, स्वेल्टरिंग का मतलब तपता, ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिस्कंटेंट, लेजिटिमेट मतलब कानूनी, और डिस्कंटेंट का मतलब असंतोष। तो ये तपती तपती गर्मी निग्रो की कानूनी असंतोष की तब तक नहीं जाएगी अंटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग एटम ऑटम ऑफ बिग फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये तब तक नहीं जाएगी जब तक शरद ऋतु की समानता नहीं होगी। 1963 is not an end but a beginning. 1963 ek ant nahi but ek par ek shuruaat hai. And those who hope that Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. Blow off steam ka literally matlab hai bhaap udana, par unka matlab ye hai ki gussa karna. रूड अवेकनिंग मतलब असभ्य जागृति, पर मतलब उनको धक्का लगेगा। और तीसरी चीज इसमें थी बिजनेस एज यूजुअल। बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह काम, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। सो और जो लोग उम्मीद करते हैं कि निग्रो को गुस्सा करने की जरूरत है या अब संतुष्ट होंगे यदि राष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. और अमेरिका में ना तो आराम होगा ना ही शांति होगी जब तक निग्रो को उसके नागरिकता के अधिकार नहीं दिए जाते। The whirlwinds of revolt. Whirlwinds of whirlwind होता है तूफान की तरह जो गोल गोल हवाएं चलती हैं। Revolt का मतलब है विद्रोह। Will continue to shake the foundations of our nation. Foundation का मतलब नींव, आधार, आधार, until the bright day of justice emerges. तो विद्रोह क्या, विद्रोह के तूफान हमारे राष्ट्र की नींव को हिला देंगे जब तक उज्जवल दिन के उभरने का समय ना होगा, न्याय के उज्जवल दिन के उभरने का समय ना होगा। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. लेकिन मैं अपने लोगों से भी कुछ कहना चाहूंगा, अपने लोगों को मतलब काले लोगों से, जो इस गर्म दहलीज में खड़े हैं जहां से न्याय के महल में जाने का रास्ता है। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. तो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी सही जगह हासिल करने के लिए हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. और हमें अपने प्यास को, स्वतंत्रता की प्यास को, थर्स्ट फॉर फ्रीडम, प्याले घृणा और करवाहट के प्याले से पीकर नहीं मिटाने चाहिए,
हमें अपनी स्वतंत्रता की प्यास. वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अ स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन. हमें हमेशा अपने संघर्ष को गरिमा और अनुशासन के उच्च धरातल पर चलाना चाहिए. वी मस्ट नॉट अलाउ क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस. तो इसमें ये अहिंसा की चर्चा कर रहे हैं कि हमें शारीरिक हिंसा में अपने रचनात्मक विरोध को खुलने नहीं देना चाहिए. इसका मतलब जो भी हम विद्रोह करें हम शांतिपूर्वक करें. अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मेजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स. बार बार हमें अगर हम पे कोई आक्रमण हुआ तो हमें राजसी ऊंचाइयों पर पहुंचना है. अपने आत्मबल से वो लोग हमारे शरीर पर हमला करें तो हम उसे अपने आत्मबल से मिटाएंगे. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white people. तो इस मोर्चे में 60,000 के करीब गोरे लोग भी शामिल थे और हर उम्र के बच्चों से लेके बूढ़ों तक. The marvelous new militancy, marvelous मतलब अद्भुत, militancy है उग्रता. तो नीग्रो समुदाय की अब घेरने वाली अद्भुत नई उग्रता हमें सभी गोरे लोगों के प्रति अविश्वास की ओर नहीं ले जानी चाहिए. Distrust मतलब अविश्वास. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize. जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे गोरे भाई यहाँ मौजूद हैं और वो उनको ये स्पष्ट है. They have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. Destiny का मतलब है उनका भाग्य, कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. और उन्होंने ये भी महसूस किया है कि उनकी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है. We cannot walk alone. हम अकेले नहीं चल सकते. तो इसमें ये भी वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमको सभी गोरे लोगों से विश्वास नहीं उठाना चाहिए. वो हमारी मदद करेंगे और उसी तरह हम जीत सकते हैं. एंड एज वी वॉक वी मस्ट मेक द प्लेज दैट वी शुड ऑलवेज मार्च अहेड. और जैसा कि हम चलते हैं हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे. We cannot turn back. हम पीछे नहीं हट सकते. अब हम वापस नहीं जा सकते. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? तो इतना सारा जो प्रदर्शन हो रहा था नागरिकी अधिकारों के लिए, तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग कब संतुष्ट होंगे. Devotees of civil rights मतलब नागरिक अधिकारों के भक्त. We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of unspeakable horrors of police brutality. Unspeakable मतलब जो कहा नहीं जा सकता, अकथनीय. Brutality निर्दयता. हम लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जब तक Negro शिकार हैं पुलिस के निर्दयता का. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the city. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उनके साथ काफी भेदभाव होता था काले लोगों के साथ, तो होटल्स जो राजमार्ग पे होते थे या जो शहरों में होते थे उनमें भी काफी होटल्स में यही लिखा रहता था कि ये सिर्फ गोरे लोगों के लिए. तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं जब हमारे शरीर ट्रैवल की थकान से, हैवी विद द फटीग मतलब थके हुए, थके हारे, और हमें रात में कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही है, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one.
हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि निग्रो की बुनियादी गतिशीलता एक छोटी बस्ती से बड़ी बस्ती तक है। घेटो का मतलब है बस्ती। वी कैन नेवर बी सैटिस्फाइड। इसमें भी, इस पैराग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जी दोहरा रहे हैं पंक्तियों को। We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by science stating for whites only. हम तब तक भी संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हमारे बच्चों को, बच्चों से selfhood मतलब उनकी आत्मशीलता को छीन लिया जाता है और उनकी dignity का मतलब है गरिमा को, और इनकी गरिमा को लूट लिया जाता है ऐसे साइंस से जो कहते हैं कि सिर्फ गोरे लोगों के लिए। वी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड अ नीग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग टू वोट। तो इसमें ये मिसिसिपी प्रदेश की बात कर रहे हैं जो दक्षिण प्रदेश है और न्यूयॉर्क उत्तरी प्रदेश है। तो मिसिसिपी में तो निग्रोस को उस समय वोट करना करने नहीं दिया जाता था क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां थी उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक एक निग्रो मिसिसिपी में वोट नहीं कर सकता और न्यूयॉर्क में ऐसा सोचता है कि किस चीज के लिए वोट करे, कुछ है नहीं उसके लिए। No, no, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. नहीं नहीं, हम संतुष्ट नहीं होंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। Justice rolls down like waters. न्याय पानी की तरह नहीं लुढ़कता and righteousness like a mighty stream. और धार्मिकता शक्तिशाली धारा की तरह नहीं चलती। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulation. मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि आप में से कुछ लोग यहां पर शानदार परीक्षण और पीड़ा से आए हैं। Great trials and tribulations. Trials and tribulation मतलब परीक्षाएं और पीड़ा। तो आप लोग बहुत कुछ सह कर आए हैं। Some of you have come fresh from narrow jails. आप में से कुछ लोग तो जेल के कोठियों से आए हैं। And some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. Storms of persecution का मतलब उत्पीड़न के तूफान, staggered by wind मतलब हवाओं से डगमगाए गए, police brutality पुलिस से चोट पहुंचाना, निष्ठुरता। तो आप में से कुछ ऐसे क्षेत्रों से भी आए हैं जहां आपकी खोज, क्वेस्ट का मतलब है खोज, स्वतंत्रता की खोज ने आपको उत्पीड़न के तूफानों से बचाए रखा और पुलिस की बर्बरता की हवाओं से डगमगाया। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन्स का मतलब है दिग्गज, अनुभवी। तो आप क्रिएटिव सफरिंग, रचनात्मक, सफरिंग मतलब पीड़ा, तो आप रचनात्मक दुख और पीड़ा के दिग्गज हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। तो ये अब ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें और आगे बढ़ना है और सहना है। अनअर्न्ड सफरिंग का मतलब जो दुख हमने बिना मेहनत के कमाया, मतलब जो दुख हमारे भाग्य में वैसे नहीं होना चाहिए पर हमें मिल रहा है। तो इस विश्वास के साथ काम करना जारी रखें कि हमें दुखों से छुटकारा मिलेगा।
सो जो दुख हमारे भाग्य में लिखे नहीं होने चाहिए उनसे हमें छुटकारा मिलेगा. गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलबामा, एंड गो बैक टू साउथ कैरोलाइना, एंड गो बैक टू जॉर्जिया, एंड गो बैक टू लुजियाना, एंड गो बैक टू द. तो ये सब प्रदेशों के नाम है जो दक्षिण में थे, मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया, कैरोला, साउथ कैरोलाइना, ये सब प्रदेश है. तो कह रहे हैं उन वहां वापस जाओ, गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज. और ये भी कह रहे हैं कि उत्तरी प्रदेशों में जो झुग्गियां और जो बस्तियां हैं वहां भी वापस जाओ, क्योंकि लोग जो मोर्चे में थे वो सब जगह से आए थे, उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों से. नोइंग दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, ये जानते हुए कि ये स्थिति जो है ठीक हो सकती है, बदल सकती है और बदली जाएगी. लेट अस नॉट वालो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स. ये फिर से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम निराशा की घाटी में लोटे नहीं. एंड सो इवन दो वी फेस द डिफिकल्टीज ऑफ टूडे एंड टूमोरो, आई स्टिल हैव अ ड्रीम. और भले आज हम कल की कठिनाइयों में घिरे हुए हैं, आज और कल की कठिनाइयों में घिरे हुए हैं, फिर भी मेरा एक सपना है. इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम. ये ऐसा सपना है जो अमरीकी सपने में पे आधारित है. अमरीका को हमेशा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी या अवसर का देश माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वहां सब लोग समान है. तो जो इन काले लोगों की मांग है वो वही मांग है. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड. ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड मतलब पंथ के वास्तविक अर्थ. मेरा एक सपना है कि एक दिन ये राष्ट्र ऊपर उठेगा और अपने पंथ के वास्तविक अर्थ को जिएगा. और ये पंथ क्या है? We hold these truths to be self-evident. इन सच्चाइयों को हम को स्वयं स्पष्ट होने के लिए मानते हैं, that all men are created equal, कि सब पुरुष समान हैं, उनको समान बनाया गया है. फिर आगे हम देखते हैं कि वो I have a dream को भी बार बार दोहराते हैं प्रभाव के लिए. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के बेटे और पूर्व दास मालिकों के बेटे भाईचारे के मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. Sweltering ka matlab hai jhulasna, oppression matlab upeedan. Oasis aisi jagah hai jahan Registan mein koi upjav sthan jahan pani paya jata hai. To matlab bahut hi achhi jagah. तो मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य अन्याय की गर्मी में झुलसते हुए और उत्पीड़न की गर्मी के साथ झुलसते हुए स्वतंत्रता और न्याय में के ओएसिस में बदल जाएगा. आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ द स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर. मेरा एक सपना है कि मेरे चार छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की सामग्री से जांचा जाएगा. आई हैव अ ड्रीम टूडे, आज मेरा एक सपना है. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे डाउन इन अलबामा विद इट्स विशियस रेसेस, with its governor having his lips dripping with the words interposition and nullification. Vicious racist matlab shatir
जातिवादी। और इंटरपोजिशन का मतलब है हस्तक्षेप करना, नलिफिकेशन मतलब अमान्य ठहराना। और तो अलबामा में एक प्रदेश है, वहां बहुत सारे शतिर जातिवादी थे और उनका गवर्नर बहुत हस्तक्षेप करता था और नीग्रो लोगों को अमान्य मान ठहराता था। एक दिन उस अलबामा में भी लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स, छोटे काले लड़के और लड़कियां, will be able to join hands with little white boys and white girls with as sisters and brothers. वो लोग गोरे लड़कों और लड़कियों के हाथ पकड़ सकेंगे बहन भाई की तरह। I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain. तो वो अपना ये सपना दिखाना चाहते हैं प्रेरणा देने के लिए लोगों को कि हर घाटी बुलंद होगी और हर पहाड़ और हर छोटा पहाड़ नीचा आ जाएगा और जो भी खुरदरी जगह हैं वो सीधी हो जाएंगी। And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see together. और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब लोग उसे एक साथ देखेंगे। This is our hope and this is the faith that I go back to the south with. ये हमारी आशा है और ये हमारा विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण जाऊंगा। With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. Mountain of despair का मतलब निराशा का पहाड़, stone of hope मतलब आशा का पत्थर। Hew का मतलब है कुल्हाड़ी से काटना। तो इस विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से एक आशा का पत्थर काट सकते हैं। With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation. Jangling discord मतलब ये झकझोरने वाले मतभेद। Beautiful symphony, एक सुंदर सा संगीत रचना, एक सुंदर सी संगीत रचना। तो ये कह रहे हैं कि हम इस विश्वास के साथ अपने राष्ट्र के झकझोरने वाले मतभेदों को भाईचारे की एक सुंदर रचना में बदलने में समर्थ होंगे। With this faith, we will be able to work together, pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. और इस विश्वास के साथ हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ प्रार्थना करने, एक साथ संघर्ष करने, एक साथ जेल जाने, एक साथ स्वतंत्रता के लिए खड़े होने में समर्थ होंगे, ये जानते हुए कि हम एक दिन मुक्त होंगे। And this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. और ये दिन होगा, ये वो दिन होगा जब भगवान के सभी बच्चे नए अर्थ के साथ ये गा सकेंगे। ये अमेरिका का एक राष्ट्रीय गाना है, My country, 'tis of thee, sweet land of liberty. मेरे देश तुम्हारा है, स्वतंत्रता की मीठी भूमि। Of thee I sing, मैं तुम्हें गाता हूँ, land where my fathers died, भूमि जहाँ मेरे पिता की मृत्यु हुई, land of the pilgrim's pride, pilgrim का मतलब है भक्त लोग या तीर्थयात्री, तीर्थयात्रियों के गौरव की भूमि, from every mountain side let freedom ring, हर पहाड़ी से स्वतंत्रता गूंज उठे, and if America is to be a great nation, this must become true, और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो ये सच होना चाहिए, and so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire, और अब ये उत्तरीय प्रदेशों के का जिक्र कर रहे हैं। न्यू हैम्पशायर के पहाड़ियों से स्वतंत्रता की गूंज उठे। Let freedom ring from the mighty mountains of New York. न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पहाड़ों से स्वतंत्रता गूंज उठे। Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. पेंसिल्वेनिया की ऊंचाइयों से स्वतंत्रता की गूंज उठे। Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Colorado की बर्फ वाली पहाड़ियों से
स्वतंत्रता की गूंज उठे एंड लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस स्लोप्स ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की ढलानों से स्वतंत्रता की आवाज आ जाए. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. इस जॉर्जिया में एक स्टोन माउंटेन है जहां दक्षिण प्रदेशों से जंग हो रही थी, और लुकआउट माउंटेन टेनेसी भी वैसा ही एक पहाड़ है. तो वो कह रहे हैं जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से स्वतंत्रता गूंज उठे, लुकआउट माउंटेन टेनेसी से भी स्वतंत्रता गूंज उठे. And let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. हर पहाड़ी से स्वतंत्रता गूंज उठे मिसिसिपी में. For every mountain side, let freedom ring. हर पहाड़ी क्षेत्र से आजादी की आवाज आने दें. And when this happens, और जब ये होगा, and when we allow freedom ring, और जब हम स्वतंत्रता को गूंजने देंगे, when we let it ring from every village and every hamlet. हैमलेट का मतलब है छोटा गांव, और जब हम इसे हर गांव और हर छोटे गांव से, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और हर शहर से गूंजने देंगे, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन. हम बहुत जल्दी उस दिन तक पहुंच जाएंगे जब भगवान के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, काले लोग और गोरे लोग, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, यहूदी और या अन्य जाति, Protestant and Catholics, ye Isai log hain, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Ye log sab milke haath pakad ke gana gaenge. Free at last, ye Negro logon ka dharmik gana hai. Akhirkar mukt, thank God Almighty, we are free at last. Bhagwan ka shukr hai, hum ant mein azad hain. तो इससे इनका भाषण खत्म हुआ. उसके बाद वो लोग राष्ट्रपति भवन में जाके प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिले, और इस ये मोर्चा इतना सक्सेसफुल था कि 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुई, जो नागरिक अधिकारों का अधिनियम है, और 1965 में वोटिंग एक्ट भी पास हुई, मतदान के अधिकार का अधिनियम. और उस समय इतना जोश और इतना उत्साह था, सब लोग मिलके गा रहे थे We shall overcome, जो हम लोग हिंदी में गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. शुक्रिया.